नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल फास्ट पोस्ट में। दोस्तों, मोबाइल में जरूर से रोजाना व्हाट्सएप यूज करते होंगे। मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप के चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। फिर व्हाट्सएप को यूज करने में आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा और यकीन मानिए व्हाट्सएप को यूज करने में आपको बहुत मजा आएगा। अगर आप जानना चाहते हो व्हाट्सएप के वो चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक क्या है, सब कुछ जानने के लिए जरूर वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। चलिए ज्यादा टाइम ना होते वीडियो को हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरूर से वीडियो पे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में देखिए छोटा सा बेल आइकॉन है, बेल आइकॉन को दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले देख सको। फिर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आइए और यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट लिखिए व्हाट्सएप ट्रिक्स। दोस्तों, ये छोटा सा कमेंट लिखकर जरूर से सेंड कर देना। दोस्तों, मोबाइल में जरूर से रोजाना व्हाट्सएप यूज करते होंगे। मैं आप सभी को इस वीडियो में व्हाट्सएप के चार खुफिया सीक्रेट ट्रिक बताऊंगा जो आप सभी को जरूर से पता होना ही चाहिए। पहला ट्रिक, अगर आप व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये ऑनलाइन है, अगर आप व्हाट्सएप में किसी के साथ चैट कर रहे हो उसी टाइम अगर कोई व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करता है लेकिन उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो या फिर अवॉइड कर रहे हो, उससे तो पता चल जाएगा व्हाट्सएप में आप ऑनलाइन हो लेकिन उसके मैसेजेस को सीन नहीं कर रहे हो, रिप्ले नहीं कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑनलाइन। ठीक उसी तरीके से उसे भी पता चल जाएगा, हो सकता है वो आपसे नाराज हो जाए। और व्हाट्सएप में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिससे ऑफलाइन आप चैट कर सको, और ऑफलाइन चैट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक बनेंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पर इसे ओके कीजिए। ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ऑफलाइन चैट नो लास्ट सीन, और यहाँ पर क्लिक कीजिए, गिव एक्सेस के ऊपर क्लिक कीजिए, यूज दिस फोल्डर यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये परमिशन अलाउ कीजिए, फिर यहाँ पर ऑफलाइन चैट यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ कीजिए। बस आपको एक बार ये सेटिंग करना होगा, फिर बार बार सेटिंग नहीं करना है। सो ये एप्लीकेशन में एक बार सेटिंग कर लीजिए, ये परमिशन अलाउ कीजिए, अलाउ कीजिए, फिर यहाँ से बैक कीजिए, लेट्स डू पे क्लिक कीजिए और ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद ये सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, फिर ये मैसेज आइकॉन पे क्लिक कीजिए और आपके सारे व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स यहाँ पर आ जाएंगे। और आपको जिसके साथ भी व्हाट्सएप में ऑफलाइन चैट करना हो ताकि किसी को पता ना चले ऑनलाइन होकर भी आप किसी के साथ चैट कर रहे हो, यहाँ से ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कीजिए, फिर आपका जो भी मैसेज है यहाँ पर लिखिए और ये मैसेज यहाँ पर गो टू सेटिंग, एक बार आपको ये सेटिंग करना होगा और यहाँ से इंस्टॉल सर्विस यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये परमिशन यहाँ से अलाउ कर दीजिए, फिर बैक कीजिए, बैक कीजिए और आपका जो भी मैसेज है यहाँ पर लिखिए और सेंड कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए मैसेज सेंड हो चुका है। ठीक, इस तरीके से ऑफलाइन आप चैट कर सकते हो। और मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर ऑनलाइन शो नहीं कर रहा, यहाँ पर देखिए ऑनलाइन शो नहीं कर रहा देखिए, लेकिन व्हाट्सएप में ऑनलाइन हो। और ये ऑफिशियल व्हाट्सएप में आप चैट करोगे यहाँ पर शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से व्हाट्सएप में किसी के साथ ऑफलाइन चैट कर सकते हो, कोई भी आपको बुरा नहीं मानेगा। यहाँ से ऑडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो एक बार ये एप्लीकेशन में सेटिंग करने के बाद, और एप्लीकेशन लिंक बनाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो ये था पहला ट्रिक जिससे व्हाट्सएप में ऑफलाइन आप चैट कर पाओगे। अभी बढ़ते हैं सेकेंड ट्रिक। दोस्तों, व्हाट्सएप में एक अलग अंदाज में आप चैट कर सकते हो किसी के साथ, और अलग अंदाज में चैट करने के लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और एप्लीकेशन लिंक बनाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और ये एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको ये इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से ये परमिशन अलाउ कीजिए, फ्लोटिंग बार ये परमिशन अलाउ कर दीजिए। परमिशन अलाउ करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स आपको मिलेंगे। सो जिसके साथ भी आपको स्टाइलिश टेक्स्ट में चैट करना हो, यहाँ से देखिए जैसे यहाँ पर आप ये मैसेज यहाँ पर ओपन करोगे, यहाँ पर कुछ भी लिखोगे आपकी स्क्रीन में आपको ये बबल देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं देखिए लव यू यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर लव यू लिखा। जो भी आपका मैसेज यहाँ पर लिखिए, फिर ये आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए फ्लोटिंग के ऊपर, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टाइलिश फॉन्ट्स मिलेंगे, जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए उस तरीके से यहाँ पर ये स्टाइलिश टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए कितना कमाल का यूनिक और डिफरेंट लग रहा है। सो एक ही टच में आप कमाल के तरीके से एक अलग अंदाज में चैट कर सकते हो। देखिए बस आपको यहाँ पर मैसेज लिखना है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए नंबर भी आप डिजाइन में यहाँ पर लिख सकते हो, और यहाँ पर देखिए काफी सारे आपको आइकन्स मिलेंगे। तो इस तरीके से आप डिफरेंट अंदाज में, डिफरेंट स्टाइलिश फॉन्ट में किसी के साथ व्हाट्सएप में चैट कर सकते हो। सो बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है, जरूर से एप्लीकेशन को यूज करना बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। तो ये था सेकेंड ट्रिक। अभी बढ़ते हैं थर्ड ट्रिक।
दोस्तों अगर कोई व्हाट्सएप में आपको मैसेज करता है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर कुछ भी मैसेज करता हूँ, ठीक है, मैं ये दूसरे व्हाट्सएप से मैसेज कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है। देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से आप इस तरीके से स्लाइड करोगे, देखिए नोटिफिकेशन बार में आपको ये देखने को मिलेगा उसने आपको क्या मैसेज किया है। सो फिर लॉक करने का क्या फायदा है? व्हाट्सएप में फिंगरप्रिंट हो गया या फिर मोबाइल में लॉक लगाने का कोई फायदा है? कोई भी फायदा नहीं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको यहाँ पर लव यू मान के चले लिखा होगा और आपके घर वाले यहाँ से स्लाइड करके उसे रीड कर लेंगे कि आपको आपकी गर्लफ्रेंड या फिर किसी लड़की ने आपको लव यू यहाँ पर लिखा है, तो कोई फायदा नहीं है। व्हाट्सएप में एक नया सेटिंग है जिससे आप कर सकते हो, बहुत ही खुफिया सीक्रेट सेटिंग है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर ये थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, प्राइवेसी सिलेक्ट कीजिए, नीचे आइए फिंगरप्रिंट लॉक यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन। शो कंटेंट इन नोटिफिकेशन ये डिफॉल्ट ऑन होगा, यहाँ पर इसे ऑफ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऑफ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज करता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ भी यहाँ पर लिखकर मैसेज किया, देखिए यहाँ पर मैसेज आ चुका है, लेकिन यहाँ पर वन न्यू मैसेज, टू न्यू मैसेज यहाँ पर लिख रहा है। देखिए यहाँ पर मैसेज में क्या लिखा है ये नहीं शो कर रहा है। देखिए कुछ भी अगर मैं मैसेज करता हूँ, यहाँ पर देखिए थ्री मैसेज, फोर मैसेज, लेकिन यहाँ पर मैसेज में क्या लिखा है वो शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप हिडन तरीके से व्हाट्सएप में ये शेयर कर सकते हो। अगर आपने लॉक भी सेट किया होगा, कोई भी नोटिफिकेशन बार से उस मैसेज को रीड नहीं कर पाएगा, और ये सेटिंग जरूर से करना बनता है। अभी बढ़ते हैं नंबर फोर सेटिंग, और ये वीआईपी सेटिंग आप सभी के लिए। दोस्तों आपके व्हाट्सएप में बहुत सारे ग्रुप्स होंगे, बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट्स होंगे जिनके साथ आप चैट करते होंगे, और कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ चैट करने में मजा नहीं आता है, इंटरेस्ट भी नहीं होता है कि उनके मैसेजेस को आप ओपन करके रीड करो, रिप्ले करो। ऐसे में व्हाट्सएप में अलग अलग चैट के लिए अलग अलग कस्टमाइज नोटिफिकेशन ट्यून सेट कर सकते हो। मान के चले अगर आपको ये फ्रेंड के ऊपर एक अलग से नोटिफिकेशन ट्यून सेट करना चाहिए, जब भी आपको ये मैसेज करे एक अलग ही नोटिफिकेशन यहाँ पर बजे और आपको पता चल जाए आपके फ्रेंड ने आपको ये मैसेज किया है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपकी जो भी है उन्होंने आपको मैसेज किया है, और उस मैसेज को देखना बनता है। तो ऐसे में यहाँ से ये चैट ओपन कीजिए, प्रोफाइल ओपन कर लीजिए। प्रोफाइल ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कस्टम नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन यहाँ से सिलेक्ट कीजिए, यूज कस्टम नोटिफिकेशन यहाँ से टिक कीजिए, नोटिफिकेशन ट्यून यहाँ पर क्लिक कीजिए, और यहाँ से आपको जो भी ट्यून सेट करना हो यहाँ से आप ट्यून सेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पर सेट करोगे ये ट्यून बजेगा और आपको पता चल जाएगा। और ये मैसेज नोटिफिकेशन है, अगर आप चाहो यहाँ से कॉल नोटिफिकेशन यहाँ पर क्लिक करके कॉल नोटिफिकेशन ट्यून भी चेंज कर सकते हो। सो काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये सेटिंग है जिससे आपको पता चल जाएगा आपको किस ग्रुप से, किस फ्रेंड से आपको मैसेज आया या फिर ग्रुप से मैसेज आया, उससे आपको इग्नोर करना चाहो इग्नोर कर सकते हो। और आपके लिए और एक बोनस ट्रिक बता देता हूँ, व्हाट्सएप में एक नया अपडेट है, ये थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए, स्टोरेज एंड डेटा यहाँ पर क्लिक कीजिए। अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मीडिया अपलोड क्वालिटी, फोटो अपलोड क्वालिटी यहाँ पर क्लिक कीजिए, और ये डिफॉल्ट ऑटो पे रहेगा। व्हाट्सएप चाहता है कि आपका इंटरनेट डेटा खत्म हो जाए, मजाक कर रहा था, यहाँ से बेस्ट क्वालिटी डेटा सर्वर ये ऑप्शन भी आपको मिलेंगे। यानी अगर आप व्हाट्सएप में किसी के पास पहले फोटो सेंड करते थे वो 5 MB का था, फोटो हो या फिर वीडियो, तो वो आपने देखा होगा वो वीडियो क्वालिटी, फोटो क्वालिटी कम हो जाता था, कंप्रेस होके वो सेंड होता था। लेकिन यहाँ से आप बेस्ट क्वालिटी अगर सिलेक्ट करते हो, अगर फोटो और वीडियो का क्वालिटी 5 MB है तो वो 5 MB में सेंड होगा, अगर 50 MB है 50 MB में सेंड होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा यहाँ पर डेटा सेवर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि बेस्ट क्वालिटी में फोटो और वीडियो सेंड भी हो और देखने वालों को मजा भी आए और आपका डेटा भी सेव हो जाए। मेरा काम है आपको सही चीजें सजेस्ट करना, जो मैंने आपको यहाँ पर सजेस्ट कर लिया डेटा सेवर। अगर आपकी मर्जी हो आप यहाँ से बेस्ट क्वालिटी सिलेक्ट करके इसे ओके कर सकते हो। सो ये चार खुफिया सेक्रेटरी को व्हाट्सएप में यूज करने के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए काफी यूजफुल होगा, और दोनों ही एप्लीकेशन के लिंक मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मजे ले सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो के नीचे लाइक करना, शेयर करना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।